एसपी चीफ मायावती इलेक्शन रैली एट मऊ इन उत्तर प्रदेश। उत्पीड़न आदि किया है और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में वे ख़त्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र वे अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज़्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन या हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित बेमूला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी सचेत कर देना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को ख़त्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी।